बाल्टीमोर मैरीलैंड का जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का अप्लाइड फिजिक्स का लेबोरेटरी में इंसानों और मशीनों को इस तरह से जुड़ने का कोशिश किया जा रहे हैं जैसे हम सिर्फ बचपन से सोचते आए थे या फिर मूवी में दिखते थे। 2005 में डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि डारपा नाम का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था। तब से लेके आज तक इंजीनियर्स ने खोज करते करते एक ऐसा कृत्रिम हाथ तैयार किया जो सिर्फ आपका चिंता से ही रिस्पॉन्ड करता है। एक ऐसा कृत्रिम रोबोटिक हाथ जिसको कोई भी प्रतिबंधित व्यक्ति अगर इस्तेमाल करे तो उसका ऐसा अनुभव होगा कि यह उसका खुद का अपने हाथ है, क्योंकि इसको नियंत्रण करने के प्रक्रिया ऐसा है जैसे एक सामान्य आदमी अपने सामान्य हाथ को नियंत्रण करता है। यह दुनिया का सबसे जटिल लेकिन उन्नत रोबोटिक हाथ है जिसको आप सिर्फ अपने मस्तिष्क के चिंता से ही बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रण कर सकते हो। यह एक ऐसा आविष्कार है जिसे प्रतिबंधित लोगों का जीवन एकदम ही बाकी सब सामान्य लोगों के तरह ही बना देगा। यह कृत्रिम हाथ को आप बायोनिक हैंड या फिर मॉड्यूलर प्रोस्थेटिक लिंब भी कह सकते हो। बाल्टीमोर के मलिसा लूमिस वही प्रथम महिला थी जिसको पहली बार के लिए यह कृत्रिम रोबोटिक हैंड लगाया गया था, लेकिन इससे पहले टारगेटेड मसल रिनोवेशन नाम का एक ग्राउंड ब्रेकिंग सर्जरी किया जाता है। यह एक ऐसा सर्जरी है जिसके मदद से इंसान के मस्तिष्क के नर्वस सिस्टम को यह कृत्रिम रोबोटिक हाथ के साथ जुड़े जाते हैं ताकि इंसान इस रोबोटिक हैंड को सिर्फ अपने चिंता से ही नियंत्रण करने के लिए सक्षम हो। पहले दौर का जो कृत्रिम हाथ होते थे उससे ना आप कुछ महसूस कर सकते हैं ना आप कुछ पकड़ सकते हैं, लेकिन इस हाथ के माध्यम से आप कुछ स्पर्श को महसूस कर सकते हो, आप कोई भी चीज को पकड़ सकते हो, उस चीज का तापमान क्या है वो भी आप महसूस कर सकते हो। और जो बात इस बायोनिक हैंड को इतना खास बनाते हैं वो है इसका सेंसर्स। इसमें 100 सेंसर्स होते हैं, इसमें से कुछ है फोर्स सेंसर्स और कुछ है कॉन्टैक्ट सेंसर्स और कुछ है टेम्परेचर सेंसर्स। मेलिसा ने बताया कि वह उसके बाजू के ऊपर एक सेंसर्स के बंधनी पहना देते हैं और वह सेंसर्स मसल पैटर्न को रीड करता है। उसके बाद उसके सिर्फ सोचने से ही इस रोबोटिक आर्म से कुछ भी करवा सकती है। यह रोबोटिक आर्म ही सेंसर्स के मदद से सेंस करने का कोशिश करता है कि आप क्या करवाना चाहते हैं इससे। ये खुद ही आपके कमांड्स को महसूस करने की कोशिश करता है। यहाँ का चीफ इंजीनियर डॉक्टर माइकल मैकलिन ने कहा कि समय के साथ साथ इसको डेवलप किया जा रहा है और धीरे धीरे यह रोबोटिक हाथ अपने बाउंड्री को भी पार कर रहा है। अब इसे कहां तक ले जाया जा सकता है, यहां पर एक नैतिक प्रश्न भी चले आते हैं। चीफ इंजीनियर ने कहा कि यह असंभव नहीं है कि इसको डेवलप करके इसको इस हद तक ले जाया जा सकता है कि इस रोबोटिक हाथ को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास ले जाया जाए तो उस डिवाइस को वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है या फिर हैक कर सकता है। इसके बाद कोई ये ना कह दे कि मैं अपने हाथ को रिप्लेस करके बायोनिक हैंड लगाना चाहता हूँ। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इसका कीमत क्या है। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बायोनिक। इस चैनल में एक लड़का है जिसका खुद का एक हाथ ही बायोनिक हैंड है, यानी कि इस तरह के रोबोटिक हैंड है। तो एक वीडियो में उसने बताया कि वो बायोनिक हाथ लगभग $32,000 के आसपास है, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग
21 से 22 लाख रुपए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो और आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये प्रयास हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा।